आगामी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भी अलग अलग सीटों पर अपनी रणनीति बनाने में लग गई है। पिछले दिनों ही बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाए गए आकाश आनंद और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जैसे बड़े चेहरों के लिए पार्टी नेतृत्व सीटों की तलाश में लग गई है। पार्टी के लोगों का मानना है कि बड़े चेहरों को लड़ाकर पार्टी अपने कैडर में एक मैसेज देना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी में इस वक्त नए प्रयोग करने पर विचार किया जा रहा है। बसपा के सूत्रों की माने तो पार्टी बड़े चेहरों को अलग अलग सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। इसमें सबसे पहले मंथन बिजनौर सीट को लेकर चल रहा है, जहां 1989 में पहली बार मायावती चुनाव लड़कर लोकसभा में पहुंची थी। इसी सीट पर इस बार बसपा आकाश आनंद को लड़ाने का मन बना रही है। समीकरण के मुताबिक सीट पर दलित और मुस्लिम वोटर बहुतायत में है, जिसके सहारे बसपा को यहाँ जीत की उम्मीद दिख रही है। वहीं आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद लोकसभा में 10 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बसपा नेताओं को लगता है कि अपने बड़े नेताओं को लड़ाकर छोटे कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने का काम किया जाएगा। यूपी में लंबे समय से बसपा का ग्राफ लगातार गिर रहा है। इसी कड़ी में पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बड़े नेताओं को भी फील्ड में उतारकर उनके अंदर जोश भरने के उनको अलग अलग सीटों से लड़ाएगी।